बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और अल्लाह के करम से हम लोग भी खैरियत से हैं। अल्लाह का शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैं एक्चुअली आप लोगों से शेयर कर रही हूँ इंस्टेंट पिज़्ज़ा सॉस और इंस्टेंट ब्रेड पिज़्ज़ा, जो आप लोग इसके लिए मैं इस्तेमाल करूँगी। ये जो थोड़ी सी सामान है देख सकते हैं, ये तुरंत बनने वाली है। हाफ कप मैंने इसमें केचप लिया और 2 टेबल स्पून चिली सॉस लिया है और 1 टीस्पून जाएगा इसमें शुगर और 1/2 टीस्पून जाएगी इसमें ऑर्गेनो, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1 चुटकी इसमें जाएगी ब्लैक पेपर। तो आप सबसे पहले मैं ये केचप डाल दूँगी एक बोल में और बाकी सब सामान भी इसमें मिक्स कर दूंगी और ये तुरंत बन जाएगी मतलब पिज़्ज़ा सॉस। तो ये पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी मेरे चैनल में ऑलरेडी और एक मैंने पिज़्ज़ा सॉस बनाया था जो टमाटर वगैरह पेस्ट बना के, तो वो भी आप लोग चाहते हैं उसमें से मतलब चेक कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँगी। तो ये सब सामान डालने के बाद सब मिक्स कर दूँगी अच्छे से और ये इंस्टेंट पिज़्ज़ा सॉस तैयार हो जाएगी। तो इसमें जो चिली सॉस है वो जो पतली वाली इस्तेमाल करेंगे तो इसमें ज़रूर शुगर जाएगी, नहीं तो ये थोड़ा सा खट्टा खट्टा हो जाएगी। तो इस वजह से मैंने शुगर इस्तेमाल किया और ये जो केचप और बच गई थी थोड़ी सी बोल में वो भी अच्छे से डाल दिया मैंने, क्योंकि वो रिस्क को ज़ाया नहीं करनी चाहिए। तो खाने को मतलब ऐसे ही बर्बाद तो करनी नहीं चाहिए, तो अच्छे से मैं इसमें सब डाल के मिक्स कर दी। तो ये इंस्टेंट पिज़्ज़ा सॉस तैयार हो चुकी है। तो ये पिज़्ज़ा सॉस तैयार करके फिर मैं अभी ब्रेड टोस्ट मतलब ब्रेड का 2 स्लाइसेस ले लिया है मैंने, इसमें पिज़्ज़ा सॉस मैं स्प्रेड कर लूँगी अच्छे से, इसमें लगा लूँगी और फिर मैं इसमें डाल दूँगी बाकी की थोड़ी सामान जो मैंने बेजिस से थोड़ा सा वेजिटेबल लिया है, ओनियन और ओलिव लिया था, वो सब मैं डाल दूँगी इसमें। तो ये देख सकते हैं अच्छे से मैंने इसमें स्प्रेड कर लिया है पिज़्ज़ा सॉस और ये तुरंत ही बन जाती है बच्चों के लिए। कभी भी बच्चे ज़िद करें जैसे पिज़्ज़ा वगैरह खाना है तो बना सकते हैं। और ये देख सकते हैं मोज़रेला चीज़ लिया है, मोज़रेला चीज़ मैंने इसमें 1 कप लिया है। आप थोड़ा कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसे थोड़ा ज़्यादा पिज़्ज़ा मतलब मोज़रेला होगी तो थोड़ा सा टेस्ट भी अच्छी बनेगी, तो वो अपने मर्ज़ी से ही आप अपना कम ज़्यादा कर लीजिए, लेकिन मेरे हिसाब से तो थोड़ा ज़्यादा ही चीज़ होती है तो अच्छी रहती है टेस्ट। तो मैंने सबसे पहले इसमें थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ डालूंगी और फिर मैं उसमें डाल दूंगी सब वेजिटेबल और बाद में मैं ऊपर फिर से मोज़रेला चीज़ थोड़ी सी मैं डाल दूंगी। तो ये देख सकते हैं मैंने डाल दिया सब। तो ये चीज़ डालनी हो गई है, तो अभी देख सकते हैं मैं थोड़ी सी वेजिटेबल लिया, ये येलो बेल पेपर लिया था मैंने थोड़ी सी, तो वो थोड़ी सी मैं थोड़ी थोड़ी ऊपर डाल दूंगी ही मतलब अलग अलग मतलब थोड़ी सी डिफरेंट कलर का वेजिटेबल हो तो अच्छी लगती है। और ये जो बेल पेपर है वो मेरा फ्रोज़न है एक्चुअली, क्योंकि मुझे फ्रेश अवेलेबल नहीं थी तो मैं फ्रीज करके कभी कभी रखती हूँ तो वो। और ये देख सकते हैं ऑनियन है, वो भी थोड़ी सी चॉप करके मैंने काट लिया था, वो भी मैंने डाल दिया इसमें। चाहे तो हरी मिर्ची भी डाल सकते लेकिन मेरे घर में थोड़ी सी तीखा कम पसंद है तो मैंने हरी मिर्ची वगैरह कुछ डाला नहीं पिज़्ज़ा में। अब चाहे तो इसमें हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं। तो ये जो रेड बेल पेपर है वो भी मैं थोड़ी थोड़ी में डाल दूंगी, चाहे तो ऊपर टमाटर भी डाल सकते हैं। और ये डालने के बाद फिर मैं ऑलिव से ऊपर डाल दूंगी जैतून और फिर और थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ डाल के फिर मैं इसको मतलब फ्राई पैन में इसको मैं थोड़ी देर पका लूंगी।
और ये देख सकते हैं मैं सब कुछ अच्छे से डाल दिया था, ऑलिव्स भी, और ये एक फ्राई पैन को मैंने इसमें थोड़ी देर ढक्कन लगा के प्री हीट कर लिया था, लाइट सा मतलब गर्म हो जाए, फिर मैं इसमें जो पिज़्ज़ा टोस्ट है वो मैं दोनों इसमें डाल दूँगी और फिर बिल्कुल लो फ्लेम करके मैं इसको 10 मिनट पकाऊँगी कि चीज़ मेल्ट हो जाए और ब्रेड जो स्लाइसेस है वो थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए। तो ये बिल्कुल लो फ्लेम में करना ज़रूरी, नहीं तो ब्रेड जल जाएगी और टेस्ट बहुत ही ख़राब हो जाएगी। तो बिल्कुल लो फ्लेम में मैंने इसको 10 मिनट पका लिया, वही देख सकते हैं चीज़ मेल्ट हो गई और ब्रेड भी माशाल्लाह से क्रिस्पी हो गई है। तो ये उसी टाइम को ही खाएंगे तो बहुत ही क्रिस्पी और चीज़ बहुत ही मज़े की लगती है, लेकिन कुछ घंटा रह जाए, 2-3 घंटा या थोड़ा लेट से खाए तो ये ब्रेड थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है, लेकिन उसी टाइम को ही खाए तो बिल्कुल पिज़्ज़ा का जो क्रंची नीचे का होता है ऊपर चीज़ ही वही टेस्ट आती है, बहुत ही मज़े की लगती है। मुझे तो स्पेशली पसंद है, बच्चों को भी पसंद है, तो आप बनाइए, कभी भी बच्चों को दीजिए। और ये मेरी रेसिपी आज की सिंपल सी थी, कैसी लगी आप लोगों को कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना ना भूलिए, मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, इससे मेरी नई आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। तो ये देख सकते हैं मैं इसको काट के दिखाती हूँ, ये बिल्कुल ही मतलब क्रंची हो गई है ब्रेड और चीज़ी बहुत ही माशाल्लाह मज़े की है। तो चल मिलती हूँ नेक्स्ट कोई मज़ेदार अच्छी वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।